हेलो एंड वेलकम टू जावाटी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टोर्ड प्रोसीजर इन पीएल एसक्यूएल। तो पीएल एसक्यूएल में स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है ये हम पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएल एसक्यूएल का। आगे देखते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर इन पीएल एसक्यूएल। तो अ स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ सेल्फ कंटेन्ड सब प्रोग्राम। तो जिस तरीके से फंक्शन को हमने पढ़ा कि फंक्शन भी एक सेल्फ कंटेन्ड सब प्रोग्राम है, इसी तरीके से प्रोसीजर भी एक सब प्रोग्राम है। फाइन, ओके। विच आर मेंट फॉर डूइंग सम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क, जिसका काम ये है कि कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है ना। एक सब प्रोग्राम है, एक छोटा सा पार्ट है जो एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया गया। ओके, स्टोर्ड प्रोसीजर आर नेम्ड पीएल एसक्यूएल ब्लॉक। जिस तरीके से हमने फंक्शन के लिए पढ़ा, प्रोसीजर में बिल्कुल ठीक है, ठीक बिल्कुल वैसा ही है। स्टोर्ड प्रोसीजर आर नेम्ड पीएल एसक्यूएल ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है पीएल एसक्यूएल का। Which means they can be stored. इसका मतलब हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं कहां पे, डेटाबेस में। कैसे? एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, एंड कैन बी रीयूज। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने प्रोसीजर बना दिया तो हम उसको बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अनलाइक पीएल एसक्यूएल फंक्शन, प्रोसीजर डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन हमारी वैल्यू को रिटर्न करता था, फंक्शन हमारी वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन प्रोसीजर जो है हमारा वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। There are two type of sub program, हमने देखा था, एक PL SQL functions जो हम पढ़ चुके हैं, और अब हम procedures पढ़ने जा रहे हैं। आगे देखते हैं procedure syntax, syntax देखो, create या replace, create और replace, फिर क्या procedure, और फिर procedure का नाम, okay? फिर जितने भी parameters में देने हमने दे दिए। यहाँ पे कोई return type नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने कोई return और उसका data type नहीं लिखा। is हम जैसे करते आ रहे हैं, declare हमने किया कोई variable या constant, fine। उसके बाद execution section में आए और हमने प्रोसीजर की बॉडी बना दी, क्लियर। तो ये हमारा हेडर पार्ट था, ये हमारा एग्जीक्यूशन सेक्शन था। अब हम देखते हैं एक छोटा सा प्रोसीजर बनाकर। तो प्रोसीजर क्या है, हमने किया क्रिएट प्रोसीजर PROCD। आप कुछ भी दे दें, PROCD दे दें, आप रमेश दे दें, आप राजेश दे दें, आप कुछ भी दे दें, ये प्रोसीजर का नाम है, ठीक है। यू कैन गिव एनी नेम, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो क्रिएट प्रोसीजर PROCD इज, अब हमने दो वेरिएबल बनाए, एक वी नेम बनाया और एक वी कंट्री बनाया। तो वी नेम क्या है, वर्कर टाइप का, और इसको इनिशियलाइज कर दिया जॉन से, और वी कंट्री ये भी वर्कर टाइप का, इसको इनिशियलाइज कर दिया यूनाइटेड स्टेट से, क्लियर। अब हम एक प्रोसीजर बना रहे थे, हम बिगिन में गए, हमने लाइन प्रिंट कराई, dbms_output.putline लाइन प्रिंट करा रहा हूं, हेलो आई एम, तो यहां ऐसे एज इट इज प्रिंट करेगा हेलो आई एम, और वी नेम की जगह क्या प्रिंट करेगा जॉन, हेलो आई एम जॉन, फाइन, ओके। फ्रॉम, और फ्रॉम की जगह, फ्रॉम के बाद क्या प्रिंट करेगा वी कंट्री, और वी कंट्री में क्या पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स, तो आंसर आ जाएगा हेलो आई एम जॉन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको dbms_output.putline को रन करा के इसका आउटपुट व्यू करना है, तो उससे पहले आपको सेट सर्वर आउटपुट ऑन चलाना पड़ेगा। अगर आपने ये लाइन नहीं चलाई तो आपको व्यू नहीं होगा, प्रोसीजर बिल्कुल सही तरीके से रन करेगा लेकिन आउटपुट शो नहीं होगा। टू रन अबव प्रोसीजर क्या करेंगे, या तो एक जो हमने फंक्शन में किया था बिगिन किया था, फिर प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, प्रोसीजर का नाम क्या, PROCD, ठीक है, और उसके बाद एंड कर देंगे और स्लैश लगा देंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है, आप सीधे लिखे execute PROCD प्रोसीजर का नाम, एक तरीका है। एक और तरीका है, और आप सिर्फ लिखे exec और PROCD जो प्रोसीजर का नाम है, तो सिर्फ exec लिखने से भी आपका काम चल जाएगा, इतने से भी आप अपना प्रोसीजर बना सकते हैं, ओके। तो ये सारी बात तो थी थ्योरेटिकल, अब इसको हम रन करा के देखिए तो हमें समझ में आएगा, ठीक है, ओके। तो अब हमें प्रोसीजर बनाना है और प्रोसीजर बना के आपको दिखाना है। तो ये प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, और इसको मैं यहां से कॉपी करता हूँ, ये मैंने इसको किया कॉपी Ctrl+C, और मैं अब इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने प्रोसीजर बनाया, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर वन, ठीक है, PROCD 1, और दो वेरिएबल बनाए, वी नेम वर्कर, और एक बनाया वी कंट्री वर्कर और यूनाइटेड स्टेट्स, और बिगिन किया और इसको प्रिंट कराया हेलो आई एम, उसकी जगह वी नेम डाल देगा, वी नेम में क्या है जॉन, तो हेलो आई एम जॉन, फ्रॉम, फ्रॉम की जगह, फ्रॉम के बाद क्या डाल देगा बी कंट्री, बी कंट्री में क्या यूनाइटेड स्टेट, तो ऐसा आउटपुट आ जाना है। तो प्रोसीजर तो क्रिएट हो गया, तो आंसर आ रहा है प्रोसीजर क्रिएटेड। अब ये प्रोसीजर बन गया, इसको रन कैसे कराए, कराने के दो तीन तरीके हैं, मैं तीनों तरीके बनाता हूँ। एक तो है बिगिन, एक आप ब्लॉक बना के करें, बिगिन ब्लॉक बनाए, बिगिन फिर लिखेंगे PROCD प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर का नाम क्या है, प्रोसीजर वन सेमीकोलन END एंड और स्लैश, तो देखो आपका हेलो आई एम जॉन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, फाइन। एक तरीका तो है, एक तरीका है exec execute PROCD 1 प्रोसीजर का नाम, तो एक तरीका ये है, ये भी रन कर रहा है हेलो आई एम जॉन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका और है exec सिर्फ लिखें आप, और PROCD 1 लिखें, और इतना करने के बाद ही
देखो फिर से ये रन करके आप, तो ये जो तीनों चीजें थी, आप तीनों तरीके से प्रोसीजर को रन करा सकते हैं। एट लास्ट मैं आपको बस वही बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूं, क्या, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।